नमस्कार, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल से एक माता जी मिली है। आप ये तस्वीर जो है ध्यान से देख लीजिए। अगर आपके आसपास से कोई भी जो है लापता है, अगर इनके परिवार तक जो है जानकारी पहुंचती है, फिलहाल अपना आशियाना की टीम यहां पर पहुंची हुई है और इनको लेकर जरूर जाएगा। लेकिन फिर से आप लोगों से अपील है कि माता जी का चेहरा आप देख लीजिए। अगर आपके आसपास रहने वाली है या इनके परिवार की जानकारी आप रखते हैं तो उन तक पहुंचाने में मदद जरूर करें। हालांकि उनसे भी भैया नाम बताओ अपना, भैया माता पैसे मिलेंगे, कपड़े मिलेंगे, नाम बताओ, जल्दी से नाम बताओ अपना, बोलो थोड़ा सा, बोलो नाम बताओ, बोलेगी पता सारा बोला, बताओ ताई इधर देखो, नाम बताओ अपना। चाय पीनी है? चाय चाय पियोगे? चाय तो बोला है ना, चाय दे दे सारा बोला। हां सारा बोला, मैं खा रही हूं, मन पता चाय पीनी है? चाय माता घर जाना चाहते हो? घर जाना चाहते हो माता जी अपने? तो फिलहाल जो है अपना आशियाना से अनु मैम, उनसे पूरी जानकारी लेंगे। क्या लगता है, कुछ बोल नहीं रहे हैं क्या? घर नहीं जाना? काफी समय से इनसे इनका नाम वगैरह पूछा जा रहा है लेकिन अभी तक माँ जी ने मुंह से कुछ भी नहीं, अपना नाम भी नहीं, कोई अक्षर भी नहीं फूटा और ना ही कुछ बताने को तैयार हो रही है। हम पूछते तो अपना मुंह ही दूसरी तरफ कर लेते हैं। इनको हमने कल्पना चावला के बाहर से, वहां से हमारे पास एक फोन आया, जैसे कि अपना आशियाना की टीम इस सेवा कार्य में रहते हैं और कहीं पर भी ऐसे लाचार मंदबुद्धि होते हैं, तो उन्होंने हमारे हेल्पलाइन नंबर से फोन किया और इन्हें हम अभी कब से इनसे नाम पूछने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन अपना नाम पता कुछ भी नहीं बता पा रही है, बिल्कुल चुप मौन है एकदम से और कुछ भी नहीं बता पा रही है। हमने बहुत कोशिश की है और आपके चैनल के माध्यम से, जनता ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से, हम यही एक सब अपने व्यूवर से प्रार्थना करना चाहते हैं कि इस वीडियो को एक तो अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। आपको माँ जी का चेहरा दिखा दिया गया है जहाँ कहीं की भी रहने वाली है और जगह जगह तक ये वीडियो शेयर होनी चाहिए, पहुंचनी चाहिए ताकि इनके घर परिवार का पता लगना चाहिए। हमारा अपना आशियाना की टीम जिसका हेल्पलाइन नंबर रहता है 9416111073, हम यही आपसे सबसे प्रार्थना करते हैं कि इस चैनल के माध्यम से माँ जी को जल्द से जल्द घर पहुंचाना है। अगर ये घर पहुंच जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर पता चल जाता है, अन्यथा ये अपना आशियाना में रहेंगे जिनका हमारा हेल्पलाइन नंबर रहता है 9416111073। धन्यवाद। बिल्कुल, जो माता जी है वो कुछ भी जो है बोल नहीं रही है, बता नहीं रही है और आप ये चेहरा जरूर देख सकते हैं कि बिल्कुल भी बातचीत। नाम तो बताओ, बता दो अपना नाम, बताओ, बोलो थोड़ा सा अपना नाम, बता दो अपना, चाय पिलाएंगे, चाय नाम बताओ भैया, बता दो जल्दी बताओ माता। लिखा नहीं हुआ कहीं, हाथ पे भी नहीं लिखा हुआ कुछ भी, ऐसा कोई निशानी नहीं है जिससे पता चल पाए कि ये माँ जी कहाँ से है, क्या नाम है, कुछ भी नहीं है। अपना हाथ दिखाओ, हाथ, इस समय नाखून नुखून बहुत बड़े हुए हैं, बाल भी आप देख पा रहे हैं कि कितनी बुरी उसमें कंडीशन में है ये माँ जी और लगता है कुछ दिनों से अपने घर से निकले हुए हैं लेकिन अभी नाम पता बताने में असमर्थ है, कुछ भी नहीं बता पा रहे हैं। भैया माता चाय पी, आप देख सकते हैं जो अपना आशियाना की टीम है, अपना आशियाना आश्रम जरूर इनको लेकर जाया जाएगा लेकिन उससे पहले जानकारी और भी लेना चाहेंगे क्राइम ब्रांच से एसआई नमना मैम है, उनसे मैम लगातार आप लोगों को मिलवाती है लेकिन ये कुछ बोल ही नहीं रही है, बता नहीं रही है बिल्कुल भी। आप बिल्कुल, मैंने और अनु जी ने अभी इनकी काउंसलिंग की है, हमारे संज्ञान में भी अनु जी के माध्यम से आया था, तो बुजुर्ग है, हो सकता है कहीं थोड़ा सा डिप्रेशन में हो, अनु जी बड़े प्यार और दुलार से धीरे धीरे निकलवा ही लेंगी, नाम तो मुझे इतना विश्वास है और हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी एड्रेस वेरीफाई हो जाए, इसके परिवार तक पहुंचाएं और अभी वैसे कुछ हद तक बोलने में समर्थ है, ऐसी बात नहीं है लेकिन पता नहीं इस उम्र में थोड़ा सा दिमागी तौर से हो जाता है, तो आप लोगों से भी हमारी ये दरखास्त रहेगी, जनता ब्रेकिंग न्यूज आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं, आशियाना की टीम के साथ रहते हैं और बहुत सारे लोगों को आपने भी हमारे से मिलवाया है, तो मैं एक बार आपसे भी प्रार्थना करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर कराएं और जितने व्यूअर्स हैं उनसे भी मैं दरखास्त करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें ताकि एक माँ अपने बच्चों से अपने परिवार से मिल पाए। तो बिल्कुल, इस वीडियो को जो है आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। हालांकि आप देख सकते हैं अनु मैम है, नमना मैम है, लगातार उनसे पूछ रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि आप उनको पूरा देख सकते हैं, चेहरा देख सकते हैं, काफी कमजोर वो नजर आ रही है और साथ साथ कुछ भी जो है वो बोलने में समर्थ नहीं है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, परिवार तक पहुंचाएं क्योंकि रोटी खाएंगे माँ जी, रोटी खानी है? अच्छा अपना नाम बता दो, यहाँ पे बताओ अपना नाम, परिवार के पास। अच्छा कहाँ से आए हो आप, कहाँ रहते हो, कहाँ रहते हो मैया? आंखों में तो दर्द ही है और कुछ ना कुछ ऐसा सोच मन के अंदर है जिससे कि पीड़ा है ऐसी जो अपनी पीड़ा को हमारे से शेयर नहीं करना चाहती,
बाकी क्राइम ब्रांच से नमना मैम है हमारे साथ, और अपना शरा से अंशुल ग्रोवर जी है, और राजकुमार जी है, राजेश अहूजा जी है। इन सबके प्रयास से इनको अभी आश्रम में ले जाया जाएगा, वहां ले जाकर के इनकी काउंसलिंग की जाएगी। सबसे पहले तो इनको खाना वगैरह अच्छे से दिया जाएगा, और खाना देने के बाद जब नींद वगैरह लेंगी, एक दो दिन रहेंगे, तो धीरे धीरे ये अवश्य ही अपना नाम पता बता देंगे। और हम यही चाहते हैं कि अपने घर पर जाए, अगर ये घर का पता नहीं बताती है तो अपना आशियाना में रहेंगी। आपके व्यूवर्स के जरिए से कि इस वीडियो को शेयर करें, जहां तक भी ये वीडियो जाती है आप हर घर के कोने में ये वीडियो पहुंचाएं, ताकि माँ जी को उनके घर तक भेजा जाए। अगर इनके परिवार वाले इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो हमारे हेल्पलाइन नंबर 9416110073 से संपर्क साध सकते हैं और अपना आशियाना सीने ले जा सकते हैं। धन्यवाद। बिल्कुल, फिलहाल इन्हें अपना आशियाना आश्रम में जो है वो रखा जाएगा, लेकर इनको यहाँ से जाया जा रहा है। इसके साथ साथ अपील आप लोगों से यही है कि लगातार जो है लोगों को मिलवाया जाता है आपके शेयर की वजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं परिवार तक जानकारी जो है पहुंच जाती है। ऐसे हजारों लोगों को नमना मैडम भी मिलवा चुकी हैं, क्राइम ब्रांच से हैं, अनुमदान मैडम है वो भी मिलवा चुकी हैं, क्योंकि आप लोग सहयोग करते हैं। ऐसे में ये बुजुर्ग माता जी है और जो है कहीं ना कहीं अपना आशियाना आश्रम को मिली है। फिलहाल इन्हें वहां पर ले जाया जाएगा, खाना वगैरह खिलाया जाएगा, वहां रखा जाएगा, लेकिन परिवार तक फिर भी जानकारी पहुंचती है तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, ताकि अपने बच्चों से अपने परिवार से जो है जो माता जी है वो मिल सके। इसके साथ साथ अपील है इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करते रहे। हालांकि जो है अपना शाना से ही अंशु ग्रोवर जी, उनसे भी पूरी जानकारी लेंगे। आपको भी माता जी कोई बात बता रहे हैं आपको? माता जी कुछ नहीं बता पा रहे, ये कल्पना चावला एक पार्क में मिली थी जो ऐसी अवस्था में है। हमारे क्राइम ब्रांच नमना मैडम है, उन्होंने हमें बुलाया भी है करके, इसको देखो, हमने इसकी काउंसलिंग की है, ठीक है। और पत्रकारों के जरिए यही कहना चाहूंगा, वीडियो को शेयर करें ताकि इसके परिवार का जल्द से जल्द पता चल सके। ऐसे कोई भी महिला आपको बंद बुद्धि लाचार कोई भी महिला मिलती है, उसके हाथों में अपना नंबर गुदवा दिया जाए ताकि उसके परिवार का जल्द से जल्द पता चल सके। मैं यही कहना चाहूंगा, जिस माँ की बेटी बहन बहू ये है, दादी है, जो भी है, आप इस वीडियो को शेयर करके, आपका एक शेयर इस माँ के लिए बहुत जरूरी है ताकि इसके परिवार का जल्द से जल्द पता चल सके। तो बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात है कि अगर जो है इस तरीके से कोई भी आपके परिवार का सदस्य लगातार घर से निकल जाता है, तो उसके हाथ पर जो है आप नंबर या उनका नाम किस तरीके से कोई भी जानकारी गुंदवा दे, ताकि उनको परिवार तक पहुंचाने में मदद जरूर। इसके साथ साथ अपील है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तस्वीरें हरियाणा के करनाल से, मैं आरती राणा सोगी अमन गोवर के साथ करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। चलो।